हे गाइस, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि पहले के जो गेम्स होते थे 2005-2010 के टाइम के और अभी के जो गेम्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो चेंज तुम्हें देखने को मिला है वो कौन सा देखने को मिला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तुम में से मोस्टली सभी लोग बोलने वाले हो कि ग्राफिक्स या कुछ और एलिमेंट्स, जो शायद हो सकता है स्टोरी या फिर टेक्नोलॉजिकल कोई बात जिसकी वजह से हमें और एडवांस गेम्स खेलने को मिल रहा है। पर मैं बोलूंगा इनमें से कोई भी चीज नहीं है। अगर मैं तुम्हें अभी सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, पैकमैन, स्नेक, लूडो, कैरम या फिर नॉर्मल जो भी गेम्स अलग अलग होते या उस टाइम पे जो होते थे उनका नाम मैं करूं, क्या तुम्हें इनमें से एक भी गेम के अंदर स्किल नाम की कोई चीज देखने को मिलती है? नो। बट आज के टाइम पे ऐसे गेम्स गिने चुने मिलेंगे तुम्हें जिनमें तुम स्किल्स नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब क्लियरली विजिबल है कि 10 साल पहले जो गेम्स बनते थे उनके अंदर स्किल्स नहीं होते थे। आज के टाइम पे जो गेम्स बनते हैं उनके अंदर हर एक कैरेक्टर का अलग अलग स्किल दिया जाता है, क्योंकि यही चीज है जो एक गेम में एक कैरेक्टर को अलग बनाती है। और नॉट ओनली कैरेक्टर, बल्कि उस कैरेक्टर को लेके जो प्लेयर खेलता है वो प्लेयर भी अलग बन जाता है इसकी वजह से। और यही सेम चीज आज हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे कोई कोडिंग स्किल किसी के पास है तो किसी के पास वेब डेवलपिंग स्किल है, किसी के पास है एनिमेशन के स्किल्स, किसी के पास वीडियो एडिटिंग के स्किल्स, किसी के पास ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के स्किल्स। एंड इसी सेम तरीके से अगर तुम पिछले जनरेशन में झांक कर देखोगे तो वहां पे मोस्टली लोगों के पास कोई स्किल नहीं हुआ करता था, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स के, लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बिकॉज गेम्स में तो हमेशा से स्किल्स रिक्वायर्ड है। बट जैसा मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे गेमिंग इवॉल्व होते हुए आज 2023 में आकर एक टोटली अलग तरीके से काम करता है, वैसे ही जनरेशन भी बदल चुका है। 1980s, 1990s, even 2000 में स्किल्स की बात नहीं हुआ करती थी, बट आज 2023 के टाइम पे स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें एक अलग इंसान बनाता है। जब मैं गेम्स में बहुत ज्यादा एडिक्टेड था तो मैंने अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करके गेम्स में बहुत ज्यादा लेवल अप किया, अलग अलग गेम्स को मैंने खेला। एंड मैंने एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि स्किल्स किस तरह से तुम्हें अलग बनाती है और तुम्हें आगे लेके जाती है। बट जो चीज वर्थलेस है कि गेमिंग के कैरेक्टर के स्किल्स को इस्तेमाल करके हम अपने रियल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते और हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर तुम अपने गेम में अपने फेवरेट कैरेक्टर के स्किल्स की तरह अपने रियल लाइफ में खुद के कैरेक्टर के अंदर भी कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हो, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। एंड ट्रस्ट मी, जब से मुझे इन सब का ऑब्जर्वेशन हुआ और मैंने जब गेम खेलना कम कर दिया धीरे धीरे और मैंने अपने रियल लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू किया, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज आ गया। एंड आई कैन क्लियरली से राइट नाउ दैट आई एम इन अ बेटर पोजीशन देन बिफोर। अब बिफोर मैं तुम्हें उन 11 स्किल्स के बारे में बताऊं जो मैंने पिछले कुछ समय के अंदर अपने अंदर डेवलप किया है और एक मार्वेलस चेंज लाया अपने अंदर, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। स्किल्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक हार्ड स्किल, एक सॉफ्ट स्किल। जैसे गेम के अंदर तुमने देखा होगा कि एक कैरेक्टर के अंदर मल्टीपल स्किल्स दिया जाता है आज के टाइम। पहले के टाइम पे एक स्किल दिया जाता था और अब के टाइम पे मल्टीपल हो गया है, बिकॉज ये 2023 है ब्रो। अब अगर तुम सोचोगे ना कि तुम्हारे अंदर एक स्किल है तो इनफ है और तुम कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हो, देन इट्स योर मिस्टेक। क्योंकि अब तुम्हारे कॉम्पिटिटर भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो भी बहुत तगड़े बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई एक इंसान नहीं, एक AI बन चुका है। और इसीलिए आज के टाइम पे जितने भी हार्ड गेम्स बनते हैं या नॉर्मली जो भी गेम्स बनते हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। इतने हार्ड होते हैं कि वो एक स्किल के साथ, एक कैरेक्टर के साथ पार करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए वो मल्टीपल कैरेक्टर स्किल्स के साथ आते हैं। मतलब एक कैरेक्टर के पास अपना एक अल्टीमेट स्किल होता है, बट उसके साथ साथ उसके पास कुछ अलग अलग सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं जिनका यूज वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग मिशन पे, अलग अलग तरीके से कर सकता है। एंड दैट क्रिएट्स द एक्चुअल डिफरेंस एंड जो तुम्हारे सक्सेस का पाथ खोल देता है उस गेम को जीतने के लिए। अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये 11 स्किल्स, ये एक्चुअली वो अल्टीमेट लेवल का स्किल नहीं है, ये वो 11 छोटे छोटे स्किल्स है जो एक कैरेक्टर को और ज्यादा मजबूत बना देता है। अल्टीमेट स्किल लोगों के पास एक ही होता है, बट अगर तुम्हारे पास ये सारे छोटे छोटे स्किल्स होंगे तो तुम अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना सकते हो और अपनी लाइफ के गेम में सबसे बेस्ट कैरेक्टर बन के खड़ा हो सकते हो। वैसे गाइस, मैं इन सभी को स्किल करके पुकार तो रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में स्किल नहीं होंगे, ये आपके लाइफ में कैरेक्टर ट्रेट्स होंगे। कैरेक्टर ट्रेट्स मतलब आपकी चारित्रिक विशेषता। सबसे पहला स्किल है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी या ईमानदारी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये चीज एक दिन में नहीं होता है, ये कॉन्सिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के बाद होता है। ईमानदार बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुम्हें अगर ईमानदार बनना है तो तुम्हें हर सिचुएशन में सही का साथ देना पड़ेगा। किसी को खुश करने के लिए या किसी का साथ देने के लिए तुम्हें अगर कोई डिसीजन लेना पड़ जाए और उसमें अगर तुम ईमानदारी को बलि दे रहे हो तो फिर वो ईमानदारी कभी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम शॉप में गए और शॉप में कुछ खरीदा, फिर तुमने पैसा पे किया और तुम्हें जो पैसा रिटर्न करना था शॉपकीपर को वो उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब तुमने ये चीज देखा, नोटिस किया, तुमने काउंट किया, लेकिन उसके बाद तुमने उस चीज को लौटा दिया उसको,
ये होती है ईमानदारी। कोई इंसान अगर अपना कोई आइटम भूल गया या उसने कुछ खो दिया और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम उसको बिना किसी रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के तुम उससे चीज को लौटा क्या होगे? मान लो कि उसने 500 रुपए या उसने अपना वॉलेट खो दिया और वो वॉलेट तुम्हें मिल गया और तुम अगर उसको लौटाने जा रहे हो, तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें बदले में कुछ देगा इसलिए तुम लौटा रहे हो। अगर तुम सही में कोई मिस्टेक करते हो तो उस चीज को स्वीकार करो और फिर कैसे तुम उस चीज को सुधार सकते हो उस पर काम करो। अगर तुमने कोई टास्क करने का कमिट किया है तो उस टास्क को पहले कमिट करो चाहे जो भी हो जाए। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है बहुत भरोसा करके, तो तुम्हें वो भरोसा रखना पड़ेगा, उनके ट्रस्ट को रेस्पेक्ट करो और वो इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर मत करो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। तुम्हें लगता होगा मैं अगर इंग्लिश में बोलना सीख जाऊँ या फिर हार्डली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में भी बोलना अच्छे से सीख जाऊँ तो शायद मैं कम्युनिकेशन मास्टर बन जाऊंगा, बट ऐसी बात नहीं है। एक कम्युनिकेटर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले द बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा। तुम सामने वाले को पहले बोलने का मौका दो, उन्हें पूरा सुनो और फिर अपनी राय पेश करो। तुम्हारा कम्युनिकेशन सामने वाले इंसान को ये एक झटके में पता लगवा देगा कि तुम कैसे इंसान हो, तुम किस तरीके की बिहेवियर रखते हो और तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। 2-4 वर्ड अंग्रेजी में बोल दिया तो तुम एक कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड देन यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले आई कॉन्टेक्ट करके बात करना सीखना पड़ेगा। जब भी दो इंसान के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, चाहे तुम बोल रहे हो या फिर चाहे तुम उसे सुन रहे हो, तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट उसके आई के साथ होना चाहिए। तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्कुल सेम लेवल पर रहेगा और दोनों ही इंटरेस्टेड रहेंगे। अदरवाइज अगर तुम हमेशा ऐसे ऐसे देखते रहोगे और खुद बोलने के लिए सोचोगे कि इसके बाद ये खत्म करेगा और मैं क्या बोलूं, तो कभी भी तुम एक कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताओ तो टीम वर्क। दूसरे वे में इसे पीपल स्किल भी कहा जाता है। अगर ये स्किल तुम्हारे अंदर होता है तो तुम किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कभी भी किसी भी इंसान को तुम मैनेज कर सकते हो, उसके साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आज के टाइम पे एक टीम वर्क की कितनी वैल्यू है वो तुम्हें खुद पता होगा। अगर तुम गेम खेलते हो, तुम्हें पता होगा तुम स्क्वाड बनाते हो, तुम डुओ में खेलते हो और एक टीम बनकर खेलते हो, जब तुम तीनों में, चारों में, दोनों में कॉन्वर्सेशन होता है कि कैसे कहां पे जाके क्या स्ट्रेटेजी लगाना है, किस तरीके से मारना है सामने वाले को। बट रियल लाइफ में क्योंकि तुम्हारे साथ एक इंसान का ही डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, इसलिए तुम्हें इस पर और प्रिसाइसली काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इस स्किल में तुम्हें खुद पता होता है कि तुम्हें किस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना रहता है। तुम टाइम मैनेजमेंट से लेकर प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, अपनी एनर्जी, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ, एवरीथिंग यू आर कैपेबल टू मैनेज। तुम कोई भी काम को प्लानिंग के साथ करते हो, उसको पहले तुम डिजाइन करते हो, फिर कब खत्म करना है, कब उसको डिलीवर करना है, एवरीथिंग यू डू विद अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड प्रॉपर टाइम प्लानिंग, एवरीथिंग यू हैव इन योर माइंड। इससे जो भी तुम्हारे आगे के बड़े बड़े गोल्स होते हैं वो धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो जाता है। एंड यू नो, इससे तुम्हारा और हम सबका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। क्योंकि ये स्किल अल्टीमेटली हमारे अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते ऑल द टाइम एंड एनर्जेटिक रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के अंदर होना तो चाहिए, बट वो समझता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। अगर तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो बस एक चीज करना है, वो है खुद को लर्निंग कैपेबल बनाना है। यू नो, हम इंसान कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जो चीज पर हम माहिर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत टाइम से। अब अगर मैं क्रिकेट में उतरूंगा आज और मुझे 10 गेंदों में 20 रनों की जरूरत पड़ती है किसी मैच में, तो मैं कॉन्फिडेंट एटलीस्ट रहूंगा कि हाँ मैं ये रन बना दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसे खेलना है, बिकॉज आई प्ले दिस गेम। बट अगर कल को मुझे कोई और दूसरा गेंद दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि इस सिचुएशन में अगर तुम्हें जिताना पड़े तो तुम क्या कॉन्फिडेंट रहोगे, बिकॉज तुमने इससे पहले कभी वो गेम खेला ही नहीं है और तुम्हें उस गेम के बारे में ज्यादा कुछ खास पता भी नहीं है। तो यही पे आ जाती है लर्निंग कैपेबिलिटी। अगर तुम किसी चीज को सीखने की कैपेबिलिटी रखते हो और वो भी जल्दी सीखने की, तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। हर इंसान उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट बन जाता है जिस चीज के बारे में वो इनफ नॉलेज अपने अंदर गैदर कर लेता है। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस सीखना शुरू करो। जिस चीज को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बस लर्न करना सीखो। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एथिक। मान लो तुम कल को कोई काम में घुसे हो और वो काम तुमने डिसिप्लिन के साथ शुरू नहीं किया है, तुम अच्छे से टीम के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हो, लेट से काम में जाते हो, तुम्हें रेस्पेक्ट करना नहीं आता, जो भी तुम्हारा बॉस है या फिर जो भी मैनेजर है तुम उससे अच्छे से बात नहीं करते हो या फिर पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करते हो, तुम अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हो, और इस वजह से भी तुम्हारे वर्क एथिक पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है।
वर्क एथिक क्लियरली शो करता है कि एक इंसान अपने वर्क को कैसे रिस्पेक्ट करता है। सो यू मस्ट हैव दिस ट्रेट कि तुम अपने काम को लेकर कमिटेड हो और अपने काम के प्रति रिस्पेक्टफुल हो। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कई हद तक मैथ के जैसा है। जैसे मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, आई नो तुम्हें भी होता होगा शायद से, या फिर नहीं भी होता होगा। अच्छा मैथ का एग्जांपल छोड़ो, गेम की बात करते हैं। अगर तुम गेम में भी किसी मिशन में जाकर फंस जाते हो तो वहां से निकल नहीं पाते हो, तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है कि कैसे तुम यहां से सर्वाइव करके निकल सकते हो। उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में जो सॉल्यूशंस आते हैं वही है तुम्हारी कैपेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और यही चीज तुम्हें अपनी रियल लाइफ में भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए उन्हें दूसरों को हैंड ओवर मत कर दो, अपने कॉलीग्स को अगर काम कर रहे हो या फिर अपने बॉस या मैनेजर को मत दे दो। इससे ना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी डेवलप नहीं होने वाला है, उल्टा तुम और ज्यादा लेजी बन जाओगे। इवन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में भी अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो उसको लेकर थोड़ा बहुत लर्न करो, चीजों को ऑब्जर्व करो कि हुआ क्या है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। बट रिमेंबर, तुम्हें ईमानदारी के साथ सॉल्यूशंस को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल। तुम्हें पता है मुझे लीडर बनने में कितना मजा आता है, जस्ट बिकॉज कि मैं खुद को एक किंग की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि मैं अपने टीम को या फिर जहां भी मैं जाऊंगा उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल मीन्स सबको एक साथ जोड़े रखना और एक कमाल की शक्ति बनाना। अगर तुम अपने स्क्वाड के साथ होते हो, तुम्हारे स्क्वाड में एक लीडर होता होगा, तुम्हें किस तरफ किस डायरेक्शन में जाना है, क्या स्टेप लेना है, कब किसको फायर करना है, ये सब कुछ वो बताता रहता है। वही सिमिलरली अगर तुम क्रिकेट में देखोगे, फुटबॉल में देखोगे, हर एक टीम में कैप्टन रहता है, एक लीडर रहता है जिसकी इंस्ट्रक्शंस को बाकी सारे प्लेयर्स फॉलो करते हैं। एंड इफ यू हैव दैट स्किल देन माय ब्रो यू विल गो सो फार। एंड याद रखो, लीडर होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे, तुम अपने सारे टीम मेंबर से उनकी ओपिनियन लोगे और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन पर आओगे। नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी। तुम्हें पता है कि कितनी जल्दी सब चीजें चेंज होती जा रही है। कल AI नहीं था, आज AI आ चुका है। और जो लोग इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोग इस चीज से डर चुके ऑलरेडी, वो इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो यू हैव टू अडेप्ट द चेंज। जो लोग पिछले जमाने के हैं, जो लोग जनरेशन वाइज अब खुद को चेंज नहीं कर पाए, वो लोग अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें किसी ने गारंटी देके नहीं रखा है कि आज जो जॉब तुम कर रहे हो वो कल तुम्हारे हाथ से नहीं चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाए बाय चांस तो कल तुम्हें जो नौकरी मिलेगी नहीं, वहां पे भी तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा। वर्क एनवायरमेंट अलग हो जाएगा, कलीग्स अलग हो जाएंगे, बॉस अलग हो जाएगा, मैनेजर अलग हो जाएगा, काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस एक स्किल को सीखे रखे हो और उसी चीज को लेकर तुम आगे बढ़ोगे और कहीं पे जाके उस चीज के भरोसे तुम अगर बैठे रहोगे कि तुम्हें ये आता है, तो तुम गलत हो। अगर तुम अडेप्टेबिलिटी के अंदर आते हो तो तुम्हें ये भी आना चाहिए कि तुम किसी भी चीज को थोड़ा सा टाइम लेकर सीख सकते हो और फिर उसकी आउटपुट दे सकते हो। अगला है एम्पैथी। देखो, एट द एंड तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो। अगर तुम इमोशन लेस हो जाओगे, टोटली प्रोफेशनल हो जाओगे, तो तुम कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट एम्पैथी होना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एम्पैथी रहने से तुम लोगों से और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, उनकी भावनाओं को समझ सकते हो, एंड प्रोफेशनली ना सोच के इमोशनली भी उनकी सिचुएशन को समझ सकते हो। एंड जो भी लोग अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए एम्पैथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली एटिक्वेट, शिष्टाचार, तमीज। तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम रेस्पेक्टफुल नहीं हो, तुम पंक्चुअल नहीं हो, अगर तुम्हारी तमीज तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं है, तुम्हारे वर्क लाइफ में किसी भी इंसान के साथ इतना अच्छा नहीं है, तुम नॉर्मली हर किसी के साथ थोड़ा सा एरोगेंटली बातचीत करने की कोशिश करते हो या फिर करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गो सो फार। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हो सकता है तुम बहुत स्किल्ड हो अपने काम में, लेकिन अगर तुम उन चीजों का महत्व रखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक गुड ह्यूमन बींग बनना पड़ेगा। तुम्हारा मैनर, तुम्हारा शिष्टाचार, तुमने जो सीखा है बचपन से, उन चीजों को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ये 11 ट्रेट्स थे जो मेरे अंदर एक मैसिव चेंज लाया है। एंड आई बिलीव कि अगर तुम इन 11 ट्रेट्स को अच्छे से फॉलो करते हो, तुम्हारे अंदर डेवलप करते हो, तुम भी एक बहुत बढ़िया इंसान बन सकते हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। सो या अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर।